हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे। तो ये संडे की वीडियो है, यानी कि कल की वीडियो है, और मॉर्निंग का टाइम है। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच आलू डाल के। तो ये मैंने 3 आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, और ये मैंने जो है 4 ब्राउन ब्रेड लिए हैं, ब्राउन ब्रेड लिए हैं मैंने ये आटे वाले। और इसने जो है ये आलू लिया था मैंने, जो सबसे पहले मैंने जो है 3 चम्मच जो है मलाई लिए थे, और उनको अच्छे से मैश करने के बाद फिर आलू डाला, और फिर इसमें 1 प्याज डाला, और फिर हरा धनिया वगैरह, मतलब जितने भी सूखे मसाले डालने हैं हमें, धनिया पाउडर वगैरह, ये सारी चीज़ें डाली थी। और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था इसमें मलाई, बिल्कुल इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था। और एक बार आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई करके देखना मलाई डाल के, काफ़ी हेल्दी भी हो जाते हैं मलाई डालने से, और यमी भी लगते हैं। तो ये देखिए मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और सच में बहुत ही यमी बने थे। सिर्फ 4 ही बनाऊंगी, 2 बेटे के लिए और 2 अपने लिए, क्योंकि हम दोनों ही थे खाने वाले, और बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आलू तो मोस्टली सभी बच्चों को पसंद होते ही हैं, और मेरे बेटे को तो आलू इतने ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे बेटे को तो आलू। देखिए बन के रेडी हो गए हैं, ये बनने बाकी हैं 2, और ये 2 सिकने के बाद, बनने के बाद जो है बेटे को दे दूँगी पहले। ये तकरीबन जो है 7:30 बजे का टाइम था मॉर्निंग का, और आज तो संडे था, थोड़े से लेट भी उठे थे, क्योंकि आराम से उठते हैं संडे वाले दिन, तो और दिन तो जल्दी उठना ही है, एक दिन तो वीक में थोड़ा सा आराम से उठते हैं। और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद तो मैंने पूरे घर में जो है डस्टिंग झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद जो है पोछा लगा रही हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा लाइजोल डाल लिया है, क्योंकि मक्खी मच्छर वगैरह थोड़े से ठीक रहता है, लाइजोल डालने से इतने नहीं आते हैं। और पोछा लगाने की तैयारी है मेरी बस अब, और काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि एक दिन होता है वीक में संडे वाला दिन, जिस दिन हम आराम से झाड़ू पोछा करते हैं, और दिन तो जल्दबाजी में ही करना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन संडे वाला दिन मैं थोड़ा सा आराम से ही करती हूँ, अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है वो। तो बस डस्टिंग भी हो गई थी मेरी, और खिड़की दरवाजे पूरे अच्छे से क्लीन कर दिए थे, बहुत ज़्यादा मतलब धूल उड़ी थी ना 3-4 दिन बीच में, हर जगह धूल ही धूल हो गई थी, तो इस वजह से काफ़ी जो है डस्ट हो गया था घर में, तो बहुत टाइम लग गया था। बस फिर पोछा वगैरह लगाने के बाद लंच भी बनाना था। तो अंदर को पोछा लग गया था, उसके बाद आ गई थी बाहर छत पे, तो ये जो कल मैंने कपड़े वॉश किए थे ना, ये सूख चुके हैं अच्छे से, क्योंकि धूप भी आई हुई थी कई देर से। तो सबसे पहले तो इन कपड़ों को उतार लूँगी, और फिर अंदर को पोछा लग गया है, उसके बाद छत पे मैंने झाड़ू तो लगा दी थी, और इसको मैं धो दूँगी, क्योंकि धोने से ही इसकी मिट्टी वगैरह अच्छे से साफ़ होती है, पोछा लगाने से नहीं होती है। उसके बाद झाड़ू पोछा पूरा क्लीनिंग हो गई थी, और मैंने पहले ही रख दिया था, ये कढ़ी बना रही हूँ आज मैं लंच में, और पोछा लगाने से पहले ही मैंने बेसन और लस्सी डाल के इसको, थोड़ी सी दही ले ली थी, बॉईल होने के लिए रख दिया था, मैंने सोचा इसको टाइम लगेगा पकने में, तकरीबन 1-1.5 घंटा पकाया है मैंने इसको, और आज मैं मतलब बाद में तड़का लगा रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छी टेस्टी कढ़ी बनती है। और उसके बाद तड़का लगा रही हूँ अब मैं इसमें, और मैंने डाल लिया सरसों का तेल, थोड़ी सी राई, और थोड़ी सी ये जो है मेथी दाना, इससे टेस्ट अच्छा आता है कढ़ी में। और ये 2 सूखी लाल मिर्च हैं, ये डाल लूँगी मैं। और इधर जो है मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली थी 4-5,
उनको कट कर लिया है, और दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे उनको भी लंबा लंबा कट करके डाल लिया है, और इनको अच्छे से मतलब कलर चेंज होने तक पकाना है। और दो टमाटर ले लिए हैं, क्योंकि मेरी जो है लस्सी खट्टी नहीं थी, और कढ़ी जो है खट्टी खट्टी ही अच्छी लगती है। वैसे मैं टमाटर बहुत कम डालती हूँ, लेकिन आज डालने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन सा आ जाएगा टमाटर डालने से। तो मैं इनको ऐसे इसे कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि फिर छिलके छिलके से रह जाते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते। तो इससे इनका छिलका उतर जाएगा आसानी से और पता भी नहीं चलेगा। तो मैं कद्दूकस कर लूँगी, और अच्छा सा नहीं लगता, मतलब मम्मी बेटा हैं तो थोड़ा सा मेरे को, मैं ये सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो उनके पास तो थोड़ा सा ये हो जाता है भाई, वो बता देते हैं ये चीज़ खानी है ये नहीं खानी। बस बेटे का क्या है, वो तो आलू दाल ये चीज़ें, राजमा छोले ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है कढ़ी, उसको नहीं पसंद है। बेटे को कढ़ी वगैरह इतनी नहीं खाता है, खा लेता है बस थोड़ी बहुत पेट भरने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद मैंने दो हरी मिर्ची ले ली थी, इनको भी कट कर लूँगी, और प्याज जो है मेरे भून चुके हैं, इनका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। और टमाटर डाल दिए अब, और 4-5 मिनट तक पकाऊंगी टमाटर डालने के बाद भी। और ये देखिए कितनी अच्छी पक के तैयार हो गई है, तकरीबन ये पकी थी 1.5 घंटे तक पकी थी ये बेसन का घोल। और ये कसूरी मेथी ले ली है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी, और सच में कढ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी। और ये बिल्कुल तैयार हो गया हमारा तड़का बन के, अब जो है डाल दूंगी इसमें घोल में, बस पकी हुई तो है ये, और अब बस सिर्फ एक उबाल ही आने तक पकाऊंगी मैं इसको, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, एक उबाल ही आने तक पकाऊंगी। और कढ़ी के साथ मैं चावल बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ी के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं, रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस कढ़ी के साथ मैं आज चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि कई दिन से मैंने चावल भी नहीं बनाए हैं। हेलो एवरीवन, सिर्फ मीठे चावल बनाए थे। चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका के अपने यूट्यूब चैनल में। और सुबह से मैंने अपना ये ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है, और अभी तक कोई बात नहीं की है आप लोगों से, और अभी टाइम हुआ है 11:30 हो गए हैं, और मेरा नहाना धोना झाड़ू पोछा वो लंच भी बना लिया है मैंने। लंच में मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं, जिसकी मतलब अच्छे से रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर पहले कर रखी है, आज नहीं की थी। और सुबह मैंने ब्रेड सैंडविच बनाए थे आलू डाल के, उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और आज डे है, संडे है, और 4 अप्रैल है आज, और अभी नहाना धोना भी नहा धो के आई हूँ, सिर भी वॉश किया है, संडे को ही करती हूँ मैं ज़्यादातर वॉश, बीच में भी कर लेती हूँ वेडनेसडे या फ्राइडे को भी। और अभी चाय पीने का मन कर रहा है, क्योंकि इस टाइम की चाय तो आपको पता है मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरी फेवरेट टी है ये, 11 बजे वाली बोलते हैं इसको, लेकिन अब तो 11:30 हो चुके हैं काम करते करते, क्योंकि संडे को तो पूरा इतना ज़्यादा काम हो जाता है, पूरी धूल मिट्टी डस्टिंग वगैरह अच्छे से क्लीन की है मैंने आज, बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर क्लीनिंग की है आज मैंने पूरे घर की, फैल ही जाता है। और पूरी वीडियो मतलब शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है। और चलिए चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, आप भी पीना मेरे साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को देख के चले जाते हैं, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, इतनी बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता है मैं वैसे ही बोलती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें,
और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें अगर पसंद आए तो। तो चलिए, तो मैं दूध में ही पत्ती डालूंगी, सिर्फ अपने अपने लिए ही बना रही हूँ। और इलायची डाल दूंगी मैं, हरी इलायची। मुझे इलायची वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है इलायची वाली चाय। और अदरक का तो अब टाइम नहीं है, गर्मी आ गई है, गर्मी में इतना अदरक वाली चाय नहीं पीती हूँ मैं, इलायची वाली पीती हूँ। तो बस ये इलायची डाल दी इसमें और इसको अच्छे से उबालना है। काफ़ी कढ़ी हुई, मतलब अच्छे से उबली हुई चाय ही अच्छी लगती है, कच्ची कच्ची नहीं लगती है अच्छी। मेरी चाय बनके रेडी हो गई है, देखिए कितनी अच्छे से उबल गई है और कलर भी बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है इसका। तो चलिए चाय पीती हूँ, और लंच तो मैं रुक के ही करूँगी, चाय पीने के तकरीबन एक डेढ़ घंटे बाद ही करूँगी लंच। में बेटे ने को दे दिया है लंच। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जिन्होंने कर रखा है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और एंड तक वॉच किया करो प्लीज़। तो चलिए इंजॉय करते हैं अपनी चाय टीवी देखते हुए। और इधर बेटा कर रहा है अपना लंच। चलिए बाय बाय, मिलते नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो।